Of four best Motorola smartphones under 10,000 rupees. So hey दोस्तों, क्या आप भी यहाँ पर Motorola के फैन हैं? क्या आपको भी कम प्राइस पर एक बढ़िया स्पेसिफिकेशन, एक स्टाइलिश डिजाइन, स्टॉक UI, अच्छे कैमरास और लंबी चलने वाली बैटरी अच्छी लगती है? So guys, हमें सभी प्रकार के फोन यहाँ पर Motorola की तरफ से देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप Motorola के फैन हैं और आप भी Motorola की तरफ से कोई अच्छा फोन ढूंढ रहे हैं तो इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं उन यूजर्स की जिनका बजट लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये का है और उन्हें Motorola की तरफ से कोई अच्छा सा स्मार्टफोन परचेस करना है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं Motorola का E13 कम प्राइस पर बहुत ही कमाल का स्मार्टफोन है। बात करें इस फोन की तो ये फोन आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, बट दोस्तों बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन काफ़ी कमाल के हैं। वैसे हल्के फुल्के वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन के साथ में आता है, तो ये भी अच्छी बात है। डिस्प्ले की बात करें तो फोन के अंदर लगी हुई है 6.5 इंचेस की HD प्लस की IPS LCD पैनल, जहां पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है और लगभग 400 नीट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है, 60 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट और 120 हर्ट्ज़ की टच सैम्पलिंग रेट। सो डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहाँ पर अच्छी मिलती है। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर सिंगल कैमरा मिलता है 13 मेगापिक्सल का और फ्रंट में आपको यहाँ पर 5 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर दिया गया है। जिसके आउटपुट की बात करें तो इमेज क्वालिटी में आपको डे लाइट में तो कोई शिकायत नहीं आती है, और वीडियो आउटपुट की बात करें तो फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं अप टू 30 FPS, तो ये भी अच्छी बात है। परफॉर्मेंस की बात करें तो फोन के अंदर लगा हुआ है यूनिसॉक का T606 का चिपसेट, जो कि लगभग 12 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन पर बना हुआ है, बट आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी निकाल कर देता है। जी हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन AnTuTu पर लगभग 1,80,000 के आसपास स्कोर करता है। सो परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। वैसे ये फोन LPDDR4X और eMMC 5.1 की स्टोरेज के साथ में आता है। पावर हाउस की बात करें तो बैक साइड में 5000mAh की बैटरी, 10 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है। चार्जर बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी आपको दी गई है। कुछ अदर फीचर्स के बारे में बात कर लें तो आपको यहाँ पर 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर, ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन, और ये स्मार्टफोन लेटेस्ट एंड्रॉइड 13 पर आता है। हालांकि गो एडिशन का सॉफ्टवेयर मिलेगा, लेकिन दोस्तों सॉफ्टवेयर में आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती, तो ये अच्छी बात है। सो देखा जाए तो चीप प्राइस पर Motorola की तरफ से काफ़ी अच्छा पैकेज है, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। 2 और 32 के लिए आपको देने होंगे लगभग 7,000 रुपये, पर दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसके 4 और 64 के साथ में जाएँ, जो कि आपको मिल जाता है लगभग 8,000 रुपये की प्राइस पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस लिस्ट के अगले फ़ोन की। और दोस्तों यहाँ पर हमने रखा हुआ है Motorola की तरफ से आने वाला मोटो का G14। बात करें इस फोन की तो ये फोन आपको प्लास्टिक फ्रेम प्लास्टिक बैक के साथ में ही मिलेगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि सिर्फ 8mm की थिकनेस और 177 ग्राम्स के साथ में आता है। सो काफ़ी लाइट वेट और काफ़ी स्टाइलिश डिज़ाइन के साथ में आपको स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर हल्के फुल्के वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन भी मिल जाता है, यानी कि IP52 रेटिंग के साथ में स्मार्टफोन आता है। सो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी फोन की यहाँ पर अच्छी है। डिस्प्ले की बात करें तो फोन के अंदर आपको 6.5 इंचेस की एक फुल HD प्लस वाली IPS LCD पैनल, यहाँ पर 600 निट्स तक की ब्राइटनेस मिल जाती है, पैंडा ग्लास का सपोर्ट दिया गया है और 60 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट, साथ ही 120 हर्ट्ज़ की टच सैम्पलिंग रेट मिलती है। सो बजट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पर आपको अच्छी दी गई है, पंच होल के साथ में आती है। सो ओवरऑल डिस्प्ले में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 2 कैमरास मिलते हैं। मेन कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का, जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है, साथ ही में 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर ठीक है। और रही बात आउटपुट की तो डे लाइट में फोटोज वगैरह भी अच्छी आ जाती हैं। वीडियो आउटपुट की बात करें तो फ्रंट और बैक कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS, तो ये भी अच्छी बात है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर प्रोसेसर की तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 12nm बेस यूनिसॉक का T616 का चिपसेट। हालांकि बहुत ज़्यादा पावरफुल चिपसेट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको डेली टास्क वगैरह में कोई शिकायत नहीं देता है, आप यहाँ पर इजीली मल्टीटास्क वगैरह भी कर सकते हैं। रही बात AnTuTu स्कोर की तो लगभग 2 लाख के आसपास यहाँ पर आपको AnTuTu स्कोर भी मिल जाते हैं। साथ ही साथ LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज आपको यहाँ पर दिया गया है। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के पावर हाउस की। सो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000mAh की बैटरी और 15W की चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। चार्जर बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी आपको मिल जाती है। अगर आप यहाँ पर एक मीडियम यूजर है तो आपको यहाँ पर एक दिन का बैकअप भी बहुत आराम से मिल जाता है। सो ओवरऑल बैटरी मॉड्यूल भी यहाँ पर आपको अच्छा दिया गया है। इसी के साथ में चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अब यहाँ पर कुछ अदर फीचर्स की। तो यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर जहाँ पर आपको डॉल्बी एटमोस का सपोर्ट दिया गया, और भाई ऑडियो क्वालिटी सच में बहुत ही कमाल की है। वहीं पर कार्ड ऑप्शंस की बात करें तो आपको यहाँ पर डेडिकेटेड स्लॉट भी दिया गया, यानी आप एक साथ में 2 4G SIM और 1 मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। और फाइनली अगर हम बात करें स्मार्टफोन के यूजर इंटरफेस की तो यहाँ पर आपको मिलता है Android 13 बेस्ड Motorola की कस्टम स्किन MIUI का सपोर्ट।
सो ओवरऑल आपको यहाँ पर कोई भी ब्लॉट पेड्स वगैरह नहीं देखने को मिलते, तो ये अच्छी बात है। तो देखा जाए तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर भी फोन का काफी अच्छा है। तो चलिए फिर अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। सो गाइस, ये जो स्मार्टफोन है ये लॉन्च किया गया है 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ में 9999 रुपए की कीमत पर। सो आप चाहें तो इसे परचेस कर सकते हैं। करते हैं अगले फोन की। तो दोस्तों, अगला स्मार्टफोन है यहाँ पर मोटोरोला का G32। प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, बट दोस्तों बिल्ड क्वालिटी काफी स्ट्रांग है और हल्के फुल्के वाटर प्रोटेक्शन के साथ में आता है। साथ ही में इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.5 इंचेस की एक फुल एचडी प्लस वाली आईपीएस एलसीडी पैनल, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन, 600 नीट्स की ब्राइटनेस, 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट। सो डिस्प्ले आपको यहाँ पर काफी अच्छी दी गई है। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर ट्रिपल कैमरास मिलते हैं। मेन कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और डेप्थ। इसके अलावा 16 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर मिल जाता है सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर अच्छा है, डे लाइट में फोटोज भी अच्छी आ जाती हैं। वीडियो आउटपुट की बात करें तो फ्रंट और बैक कैमरा से आप यहाँ पर फुल एचडी की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अप टू 30 FPS। चलिए परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ते, तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 6nm बेस क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 का चिपसेट, जो कि इस बजट के अंदर आने वाला वन ऑफ द बेस्ट चिपसेट है। रही बात अंतुतु स्कोर की, तो ये स्मार्टफोन अंतुतु पर लगभग 2.5 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है, और उस हिसाब से देखेंगे तो परफॉर्मेंस और गेमिंग दोनों ही आप यहाँ पर अच्छी कर सकते हैं। साथ ही साथ LPDDR4X की रैम और UMCP वाला आपको यहाँ पर स्टोरेज भी मिल जाता है। वहीं पर पावर हाउस की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000mAh की बैटरी और 33W की चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है चार्जर बॉक्स के अंदर, और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाती है। वैसे ये फोन आपको एक दिन का बैकअप बहुत आराम से देता है, तो ये अच्छी बात है। एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर जिसकी ऑडियो क्वालिटी काफी क्रिस्प और लाउड है, साथ ही हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन। और दोस्तों, ये फोन आता है एंड्रॉइड 12 पर, लेकिन एंड्रॉइड 13 का अपडेट बहुत ही जल्द इस फोन के अंदर आपको मिलने वाला है। सो देखा जाए तो फोन काफी अच्छा है, अगर आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। 4GB रैम 64GB स्टोरेज के लिए आपको देने होंगे 9999 रुपए। चलते हैं इस तरफ, और भाई आखिरी फोन भी काफी धमाकेदार है, और ये स्मार्टफोन यहाँ पर मोटोरोला का मोटो G13। दोस्तों, ये जो फोन है ये आपको प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, पर दोस्तों अच्छी बात यह है कि ये वाटर रेपेलेंट डिजाइन के साथ में आता है, यानी कि हल्की फुल्की पानी की बूंदें अगर स्मार्टफोन पर गिर भी जाती हैं तो भी आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे इस फोन की डिस्प्ले की बात करें तो ये फोन आता है 6.5 इंचेस की HD प्लस वाली IPS LCD पैनल के साथ में। अच्छी बात है कि डॉट नॉच डिस्प्ले दी गई है, पेंडा ग्लास का सपोर्ट आपको मिल जाता है, 400 निट्स की ब्राइटनेस दी गई है, 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट। सो डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहाँ पर अच्छी दी गई है। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर ट्रिपल कैमरास मिलते हैं। मेन कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर अच्छा है, और रही बात आउटपुट की दोस्तों, तो यहाँ पर आपको इमेज आउटपुट भी अच्छे देखने को मिल जाते हैं, डे लाइट में आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती। वीडियो आउटपुट की बात करें तो फ्रंट और बैक कैमरे से आप यहाँ पर फुल एचडी की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं अप टू 30 FPS। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन की परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों, इस फोन के अंदर भी आपको मिलता है 12nm बेस मीडियाटेक का हीलियो G85 का चिपसेट, और गाइस ये स्मार्टफोन अंतुतु पर लगभग 2,13,000 के आसपास स्कोर भी कर जाता है। तो डेली परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली है। वैसे इस फोन के अंदर आपको LPDDR4X की रैम और EMMC 5.1 का स्टोरेज भी देखने को मिल जाएगा। वहीं पर दोस्तों बात करें पावर हाउस की, तो बैक साइड में 5000mAh की बैटरी लगी हुई है, 10W की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है चार्जर बॉक्स के अंदर, और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी आपको मिल जाती है। कुछ अदर फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर जहाँ पर आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी मिलता है, साथ ही साथ डेडिकेटेड स्लॉट दिया गया है, और ये फोन लेटेस्ट एंड्रॉइड 13 पर आता है। और अच्छी बात यह है कि फालतू के कोई भी ब्लॉटवेयर्स वगैरह आपको यहाँ पर नहीं मिलते। हाँ तो भाई, अब बात कर लेते हैं स्मार्टफोन की प्राइसिंग की। तो 4 और 128 के लिए आपको देने होंगे 9999 रुपए। अगर आप यहाँ पर कंटेंट वॉचिंग के लिए भी बढ़िया क्वालिटी की डिस्प्ले चाहते हैं, अच्छी खासी परफॉर्मेंस भी आपको चाहिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मोटो का G42। तो अगर आप यहाँ पर मल्टीमीडिया के लिए कोई अच्छा सा फोन लेना चाहते हैं तो ये स्मार्टफोन इस बजट के अंदर आने वाला काफी कमाल का पैकेज है। बात करें इस फोन की दोस्तों, तो ये फोन आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, बट बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन फोन के काफी अच्छे दिए गए। वैसे हल्के फुल्के वाटर और डस्ट के प्रोटेक्शन के साथ में आता है, तो ये भी अच्छी बात है। डिस्प्ले की बात करें तो फोन के अंदर लगी हुई है 6.4 इंचेस की एक फुल एचडी प्लस वाली एमोलेड की पैनल, जहां पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिल जाता है, 700 निट्स की ब्राइटनेस दी गई है, 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 120 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट। सो डिस्प्ले आपको यहां पर अच्छी मिल जाती है। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहां पर ट्रिपल कैमरास दिए गए, जहां पर मेन कैमरा लगा हुआ 50 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का अच्छा है, डे लाइट में फोटोज भी अच्छी आ जाती है। वीडियो आउटपुट की बात करें तो फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से आप यहाँ पर फुल एचडी की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे अप टू 30 FPS। तो चलिए अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की दोस्तों। तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 6nm बेस क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 का 4G चिपसेट, जो कि दोस्तों इस बजट के अंदर आने वाला वन ऑफ द बेस्ट चिपसेट है। लगभग आपको यहाँ पर 2.5 लाख के आसपास अंततः स्कोर निकाल कर दे देता है। सो परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर अच्छी मिल जाती है।
साथ ही साथ LPDDR4X की RAM और UFS 2.2 वाला आपको यहाँ पर स्टोरेज भी दिया गया है, सो परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आती। पावर हाउस की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000mAh की बैटरी देखने को मिलती है, 20 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है, चार्जर बॉक्स के अंदर दिया गया और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी आपको मिल जाती है। कुछ अदर फीचर्स की बात कर लें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स, हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन, और दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको मिलता है यहाँ पर एंड्रॉइड 12 पर, लेकिन एंड्रॉइड 13 का अपडेट आपको इस फोन के अंदर डेफिनेटली और बहुत ही जल्द मिल जाएगा। सो मल्टीमीडिया के लिए कम बजट के अंदर देखेंगे तो बहुत अच्छा पैकेज है, आप चाहे तो इसे देख सकते हैं। बात करें प्राइसिंग की तो 4 और 64 के लिए आपको देने होंगे 10,999 रुपये। आप चाहे तो इनमें से कोई भी स्मार्टफोन चेकआउट कर सकते हैं, सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो चेकआउट जरूर कीजिएगा। और उम्मीद है कि आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।